हेलो, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है पब्लिक? क्या हो रहा है? मज़े में? दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रहे तुम लोग, मतलब दिखाई नहीं दे रहे यार, कुछ ना कमेंट्स आ रहे हैं ना समझ में आ रहे हैं। खैर, थंबनेल तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। बाकी चलो तो आज बात कर ही लेते हैं अपनी शादी की, कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके साथ हुई, कब हुई, ठीक है। इस सब के बारे में आज डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कि आज वैसे लास्ट ईयर 2023 अप्रैल में शादी करी थी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 अप्रैल 30 को हुई थी। 30 अप्रैल को वो हुआ था, क्या कहते हैं, मतलब जो फॉरेन ऑफिस में जाके लिखाना होता है तो ऑफिशियल मैरिज हो गई थी, जो रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद 3rd ऑफ मई को रिसेप्शन पार्टी हुई थी कायरो में, ठीक है। बट वहाँ तक बात कैसे पहुँची, क्या पहुँची, बताता हूँ तुम्हें अभी डिटेल में, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे साथ सीन ये था कि मैं हूँ इंडियन नेशनल, ठीक है, प्राउड इंडियन, ठीक है। तो मैं हूँ इंडियन नेशनल, मैं रह रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, ठीक है, क्योंकि मतलब एक कंट्री का मैं नेशनल हूँ, इंडिया का, और रह रहा हूँ सऊदी अरेबिया में। और मुझे जो शादी करनी थी वो करनी थी इजिप्ट में, ठीक है, तीसरी कंट्री। तो ये जो तीन कंट्रीज का जो खेल था ना, जो गेम था, इस वजह से सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी हो गई मेरे लिए। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो था बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पेपर, ये पेपर, वो पेपर, ये प्रूफ, इनसे अप्रूवल, उनसे अप्रूवल, मतलब बहुत ज़्यादा था हमारे हिसाब से यार, मतलब दिमाग ख़राब हो गया कसम से यार, पेपर 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 अरेंज करने में। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लो सबसे पहले कि मुझे चाहिए था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, कि मैं शादी कर सकता हूँ या नहीं, किससे, इंडियन गवर्नमेंट से। इंडियन गवर्नमेंट मतलब एम्बेसी से मुझे चाहिए था क्लियरेंस लेटर, एक तरीके का, कि मैं शादी कर सकता हूँ कि नहीं। तो उसके लिए NOC लेने के लिए रिक्वायरमेंट ये थी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जो है एफिडेविट, जो हलफनामा कहलाता अपने एफिडेविट, तो बॉन्ड पेपर एफिडेविट पे आप कंसेंट कराइए, मतलब अपने मदर फादर से, उनसे कंफर्मेशन लेके, उनके साइन का पेपर वो लेके आइए, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स से लिखवाया क्या कि मतलब मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मेरा नाम, मेरी एज, मेरी शादी हुई है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, मतलब कि बैचलर हूँ, मैरिड हूँ, क्या वो सारा स्टेटस, हम लोग रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, वो सारी चीज़ें वो उन्होंने लिख के दी, अपने साइन करके दिए, वो ओके करके दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक होता है हम लोगों का एक ग्राम प्रधान वाला सीन है, ठीक है। तो ग्राम प्रधान मेरा दोस्त था, मतलब है मेरा दोस्त है, तो उसने मेरी हेल्प करी, उसने रिटर्न में मुझे लिख के दिया कि जय हाँ मैं जानता हूँ इस बंदे को, ये वो, और मतलब ये यहाँ यहाँ रहते हैं, इनके मदर फादर का नाम ये है, और ये शादीशुदा नहीं है, ठीक है। तो ग्राम प्रधान ने वो अपने लेटर हेड पे बना के दे दिया मुझे, लेटर हेड पे बना के दे दिया। और उसके बाद ग्राम प्रधान की बात की कोई इतनी वैल्यू तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम कलेक्टर लेवल पे वो अप्रूवल होना चाहिए। कलेक्टर लेवल मतलब जो क्या कहते हैं, ब्लॉक वाइज कलेक्टर बैठते हैं ना, उनके पास से अप्रूवल होना चाहिए था। अब उनके अप्रूवल के लिए क्या करना चाहिए, जब कलेक्टर के पास उनका लेटर हेड गया ग्राम प्रधान का, तो उन्होंने अपने लेखपाल को भेजा कि जाके इसका इंस्पेक्शन करो, जांच करो, मतलब इंस्पेक्शन करो, जांच करो कि ये बात सही है कि नहीं है, तो वो फिर अपना अप्रूवल देंगे। फिर लेखपाल का उसमें इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन में उसने फ़ोन ऑन करके कंफर्म किया, ये किया, वो किया, उसने अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट कर दी कि हाँ ठीक है ये, फिर जो है कलेक्टर ने उसको अप्रूव किया। अब कलेक्टर की अथॉरिटी है कि कलेक्टर एक एम्प्लॉई है इंडियन गवर्नमेंट का, कलेक्टर की बात जो है मान ली जाती है, कलेक्टर के बाद फिर SDM की ज़रूरत नहीं है। तो कलेक्टर लेवल तक अप्रूवल हुआ, फिर ये अप्रूवल लेके आए हम, ओरिजिनल कॉपीज़ मैंने इंडिया से मंगाई,
इंडिया से वो मेरे पास आई, प्लस क्या कहते हैं मेरे पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी, ये कॉपी वो कॉपी, और जो भी आधार कॉपी दुनियादारी जो भी लगती है मेरी, आधार पासपोर्ट सब कुछ मेरा भी लग गया, फोटोग्राफ लग गए। उसके बाद ये सब लेके मैं एक बार एम्बेसी पहुंचा, एम्बेसी इंडियन एम्बेसी ऑफ रियाद, वहाँ पहुँचा ये सारे डॉक्यूमेंट लेके। कॉल पे बात करी, उन्होंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा मुझे चाहिए एनओसी, तो कहने लगे एनओसी मतलब क्या? हमने कहा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कहने हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। हमने कहा अरे हमें पता है आपको नहीं है, लेकिन आप मुझे लिखित में दीजिए। तो कह रहे कहाँ लिख के दें, कहाँ लिख के दें का मतलब क्या होता? हमने कहा मतलब आप रिटर्न में दे दीजिए अपने लेटर हेड पे। तो कहने लगे लेटर हेड मतलब? हमने कहा अरे इंडियन एम्बेसी का कोई लेटर हेड होगा, हर एक छोटी छोटी कंपनियों के पास अपने लेटर हेड होते हैं, इंडियन एम्बेसी रियाद के पास लेटर हेड नहीं है? तो कहने के नहीं नहीं लेटर हेड पे हम कुछ नहीं लिख के देते हैं। हमने कहा क्यों, वो क्यों होता है ऐसा क्यों? कहने के लेटर हेड नहीं, आप एक काम करिए, आप एक सेल्फ एफिडेविट बना के लाइए, उसमें ये लिखिए कि मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन हैं, मेरा रिलीजन क्या है, है ना, मैं इस्लाम से हूँ, इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ, ये वो मतलब इंग्लिश में एक वो लेके आइए, और अब आपका ओरिजिनल एड्रेस क्या है वो है एड्रेस लेके आइए, सऊदी अरेबिया में आप कब से रह रहे हैं वो लिखिए, और प्लस जो है यहाँ कहाँ रह रहे हैं वो सब लिख दीजिए, उसको आप लेके आइए। तो मैं ठीक है अपना सेल्फ एफिडेविट लेके गया उनके पास, ठीक है। फिर मैंने सेल्फ एफिडेविट बनाया, सेल्फ एफिडेविट लेके अपॉइंटमेंट लेके फिर से मैं दोबारा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सेल्फ एफिडेविट ठीक है, अब हम इसको अटेस्ट करके दे रहे हैं। मतलब ये कि जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने मुझ गवर्नमेंट को बताई है, गवर्नमेंट ने आपकी पूरी कहानी सुन ली है, इन्फॉर्मेशन सुन ली है, और उसके बाद हम ये अटेस्ट करे दे रहे हैं, सत्यापित करे दे रहे हैं कि हाँ हमने आपकी कहानी सुन ली है बिल्कुल ठीक तरीके से। लेकिन इस कहानी के हम कोई जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने यही कहा कि हम जिम्मेदार नहीं कि कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, मतलब उनको किसी भी चीज़ पे यकीन ही नहीं है। वो कह रहे कि हाँ ये हमने कहानी सुन ली, ये हमने मान लिया है कि ठीक है, हम उसको अटेस्ट करके दिए दे रहे हैं, ठीक है। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है वही दो, अटेस्ट करके उनका अटेस्टेशन लिया, अटेस्टेशन लेके वो रेडी करके मैं गया, मतलब फिर उसके बाद इजिप्ट गया, इजिप्ट जाके अपने एडवोकेट से मिला, एडवोकेट को बोला कि ये पेपर है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रेडी है, ये तुम देख लो। तो उसके बाद वो गया, उसने जो है बात करी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंडर में होता है मैरिज वगैरह जो होती हैं वहाँ की, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में पेपर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो रियाद एम्बेसी का है, इससे हमें क्या लेना देना, ये तो सऊदी अरेबिया का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ आप जो इंडियन एम्बेसी ऑफ कायरो से लिखवा के लाइए तो हम मानेंगे। हमने कहा अच्छा ऐसा है, तो ठीक है। फिर मैं इंडियन एम्बेसी ऑफ कायरो गया, इंडियन एम्बेसी ऑफ कायरो में जाके उनको बताया कि ये सीन है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए आप लड़की की पूरी फैमिली को बुलाइए। हमने कहा क्यों? कहने नहीं नहीं जांच होगी उसकी। हमने कहा अच्छा ठीक है जांच होगी इंडियन एम्बेसी कायरो में, मतलब काउंसलर विंग में। फिर जो है उनकी पूरी फैमिली आई, पूरी फैमिली से उन्होंने क्वेश्चन किए कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, आप लोग शादी करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ ठीक है, ये है वो है, ये बंदा ये है ये है ये है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। बाकायदा उनसे जाँच पड़ताल हो गई, एक इंडियन ऑफिसर था एक इजिप्शियन ऑफिसर था, दोनों लोगों ने पूरी जाँच पड़ताल क्लियर करके ओके कर दिया। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप मुझे लाइए आप रेजिडेंट परमिट सऊदी अरेबिया का, पासपोर्ट कॉपी, और प्लस जो रियाद एम्बेसी ने आपको लिख के दिया था वो कॉपीज़, समझे, तो वो सारी कॉपीज़। और उसके बाद फिर आप जॉब कहाँ कर रहे हैं उसको, हमने कहा ये लो कॉन्ट्रैक्ट, ये लो ये पेपर, ये लो ये पेपर, ये पकड़ो कुछ उनके 700-800 कुछ गिनी उनकी फ़ीस थी, 700-800 गिनी उनकी फ़ीस दी मैंने। मैंने कहा ठीक है चलो ओके। उन्होंने कहा ठीक है हम प्रोसीड करते हैं। दो दिन बाद उन्होंने फिर दोबारा अपॉइंटमेंट दिया कि दो दिन बाद आप आ जाइए कलेक्ट कर लीजिए, दो दिन बाद अपॉइंटमेंट। अबे हाँ वहाँ एक ऐसी घटना घटी भाई, वहाँ मैं पहुँचा, जब दो दिन बाद मैं कलेक्ट करने के लिए पहुँचा, एक कश्मीरी बंदा मिला मुझे यार वहाँ वेटिंग एरिया में, वो भी बैठा था मैं भी बैठा था। तो मैंने ऐसे ही सलाम दुआ करी, जब पूछा कि भाई क्या हालचाल, बढ़िया। तो उसने कहा हाँ ठीक। मैंने कहा क्या यहाँ काम करते हो, जॉब करते हो? इजिप्ट में मिला था। तो मैंने कहा जॉब नहीं करता हूँ मैं, पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा यहाँ कैसे? तो कहने लगा यार मैं एनओसी के लिए आया हूँ। तो हमने कहा अच्छा तुम भी शादी करो? कह रहे हाँ यार करना तो चाहता हूँ मैं भी शादी। फिर तो हमने कहा एनओसी मिल गई? तो कहने लगा एनओसी यार नहीं मिली है, 1.5 साल हो गया। भाई साहब 1.5 साल, सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए यार, 1.5 साल
डेढ़ साल से वो जो है स्ट्रगल कर रहा है एनओसी के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रही गवर्नमेंट उसको डेढ़ साल से। मैं कहा अरे बाप रे। फिर उसने पूछा तुम्हारा क्या काम, मैंने कहा भाई यार मैंने फिर बात बदल के मैंने कहा यार वो एनओसी एनओसी वाला कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नॉर्मल बता देते हैं उसको कि पासपोर्ट का काम या इकामे का काम या कुछ ऐसा काम नॉर्मल बता दें, क्योंकि उसको उसके दिल पे भी ठेस पहुंचती ना यार कि यार हम डेढ़ साल से स्ट्रगल कर रहे हैं अभी ये इसको ये चार दिन हुआ है पाँच दिन में चार दिन में एनओसी दिए दे रहे हैं तो वो भी बहुत गलत बात थी ना। इस वजह से मैंने कहा कि छोड़ो यार मैं नहीं बताता हूँ सब बात, मैंने उसको बोला कि डेढ़ साल से यार वो स्ट्रगल कर रहा, मेरे ख्याल से शायद कश्मीरी होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी इसके साथ, इस वजह से जो है उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इतने डॉक्यूमेंट्स करके उसके बाद फिर उन्होंने जो है एनओसी बना के दे दी, भाई साहब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप शादी कर सकते हैं किसी से भी। वो ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर वो जाके जब जय मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में लगाया तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, समझे। अब वहाँ साला ये भी नहीं पता था किसी को कि वहाँ अब आगे का प्रोसीजर क्या करना है कैसे करना है, तो वहाँ पे मेडिकल कराना था, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी कर लिए, रेडी कराने के बाद मैं वापस आ गया वहाँ से, ठीक है, वापस आ गया। वापस आने के बाद ये पता चला, ये कंफर्म हुआ कि मेडिकल आपको इजिप्ट में ही कराना है, उनके जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं का मेडिकल माना जाएगा और कहीं का मेडिकल मानेंगे भी नहीं। अब शादी से पहले मेडिकल होगा, मेडिकल चेकअप, ब्लड टेस्ट, ये वो कि ब्लड में कोई आपकी बीमारी तो नहीं है, ऐसी बीमारी जो मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज हो सके या कुछ हो सके, तो इस तरह की कोई बीमारी या कुछ नहीं है, तो सारी चीज़ें जो है ब्लड रिपोर्ट में वो चेक करते हैं, तो ब्लड सॉरी मेडिकल कराते हैं तो वो लोग चेक करते हैं, तो ठीक है भैया। वो अब उसके लिए स्पेशली मुझे दो दिन के लिए फिर वापस जाना पड़ा, दो दिन के लिए मैं फिर गया वहाँ वापस मेडिकल कराने, मेडिकल एडिकल हो गया, मेडिकल करा लिया। मेडिकल कराने के बाद पता नहीं क्या लफड़ा हुआ कि अब मेरी वाइफ की तो जो है रिपोर्ट आ गई जल्दी और मेरी रिपोर्ट ही में टाइम लग गया, पता नहीं क्या मसला, 6 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन अब जो है टाइम आ रहा है हम लोगों के अपॉइंटमेंट का करीब और जो है मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आ रही। फिर कम से कम 10 दिन पहले मेरे ख्याल से 10 दिन पहले रिपोर्ट आई, सब कुछ ठीक ठाक रहा, रिपोर्ट निकल के आ गई, ऑनलाइन रिपोर्ट भी थी वो भी आ गई, सब कुछ ओके हो गया। फिर हम लोग पूरी फैमिली जो है जाके पहुँचे वहाँ, पूरी फैमिली वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग अप्रैल के ऑलमोस्ट 25-26 में ही पहुँचे थे हम सब लोग। फिर 30 को ये हुआ कि 30 को जो अपॉइंटमेंट हम लोगों का था, 30 अप्रैल को वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके मैं रजिस्ट्रार ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में ही वहाँ हम लोगों ने रिटर्न करी शादी। वहाँ उसकी भी फीस पड़ी ऑलमोस्ट करीब 1,500-2,000, उन्होंने सब लिखवाया, जो निकाय का पढ़ाते हैं वो सब पढ़ाया, उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्होंने पूछा। फिर तो दो गवाह लगे कि भाई हाँ साहब आप लोग देख रहे हैं आपके सामने शादी हो रही है, मान रहे हैं ना आप लोग, गवाही दे रहे हैं इस बात की। उन्होंने कहा हाँ भैया हम भी दे रहे हैं। तो दो गवाह लगे, दो गवाह लगने के बाद शादी हो गई पूर्णतया संपन्न। उसके बाद बुकिंग अरेंजमेंट्स वगैरह हुए स्टेज के लिए। अब कायरों में था तो ये तो बहुत लाजमी था कि अब जहाँ भी होना है फंक्शन किसी बंद हॉल के अंदर तो हो नहीं सकता इन द सेंस कि अब वो ओपन रिवर साइड होना ही चाहिए एटलीस्ट। अब वहाँ गए तो ये नज़ारा तो लेना ही चाहिए, फिर ओपन रिवर साइड, वहाँ बुकिंग थी हम लोगों की पहले की, रिवर साइड एक वो था फंक्शनल हॉल, मैरिज हॉल या जो भी कर लो, ओपन रूफ टाइप वाला, तो उसमें फिर ये पार्टी जो फ़ोटो देख रहे हो ना वो उसी की पार्टी की है। वहाँ मेरी पूरी फैमिली थी, उनके बहुत सारे रिलेटिव्स और ये और वो, नाच गाना शोर शराबा और ये सब कुछ जो है 3 मई को हुआ। फिर हम लोग 3 मई के बाद मैं रुकाऊंगा बहुत ज़्यादा, 12 मई तक मेरी फैमिली वहाँ थी, 12 मई तक हम लोग वहाँ थे, 12 मई के बाद हम लोग वापस चले आए। और उसके बाद यहाँ आके मैंने तुम्हारी भाभी का जो है वीज़ा वगैरह सब कुछ अप्लाई किया, फिर उसके बाद से वो सऊदी अरेबिया आई गई। अब तो बस यही हो रहा है, आना जाना। मैं भी जाने वाला हूँ बहुत जल्दी इजिप्ट, छुट्टी बस होने वाली है। मैं बहुत सारे टूर पाइपलाइन में, बस होपफुली कि
आई थिंक बस 30-40 दिन के बाद ना मैं भर दूंगा तुम्हारे, इतनी वीडियोस आएंगी ना मेरे टूर की, टूर ही टूर है मेरे, कई सारी कंट्रीज विजिट करनी है इस बार, प्लान है ऑलरेडी, पाइपलाइन में है, बता दे रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून, अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो तो बस हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।